हाँ जी, आप कहाँ जा रहे हैं इस समय? मैं अभी अपने गांव में हूँ। अच्छा, तो अभी मैं गांव में अपने ये खबर है। अच्छा, मेरे सब लोग इसको खबर बोलते हैं। तो आज हम वही जा रहे हैं। हाँ, यही है ये इधर से जाए। अच्छा, तो यहाँ हम मैं उत्तराखंड में हूँ। तो उत्तराखंड में बहुत खेती होती है, जैसे उधर देख लीजिए। अच्छा, अभी तो काट दिया है। अच्छा, ये कौन सी क्या किस किस से खेती है? मंडुआ? अच्छा, वही है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे खाना होता है वहाँ पे जानवर भी होता है। अच्छा, यहाँ पे खेती है तो यहाँ पे जानवर भी आते हैं। अच्छा, तो उनको लेकिन भगाने के लिए कुछ चीजें होती हैं जो हम यूज करते हैं। अच्छा, उनमें से चार चीजें। अच्छा, हम उनको दिखाते हैं। अच्छा, इधर दिखाओ, टॉर्च लगाओ तो नीचे खेतों में क्या है, दिखाए कोई जानवर है क्या? देखते हैं। ओ माय गुडनेस, फोकस, वाओ। इसकी रेंज कितनी है? आई थिंक 1000 मीटर के रेंज है। तो सब बहुत दूर तक शिकार दे सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा यहाँ से। यहाँ पे तो ये इतना नहीं दिखेगा क्योंकि अच्छा, यहाँ पे ऐसे के लिए। अच्छा, तो बीच में लाइट वाइट रुक जाती है। अच्छा, वरना अगर प्लेन में होगा तो ऐसे मतलब ऐसे में तो बहुत दूर तक जा सकता है। इधर इस तरह दिखाओ तो इसे किसी जानवर क्या इससे जानवर क्यों भागेंगे इससे? सीधा उनकी आंखों में पड़ेगी ना। अच्छा, रोशनी आप भी देख लीजिए। अच्छा, आपकी तरफ करता हूँ। अच्छा अच्छा, ओ माय गॉडनेस। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी अच्छा तो नहीं किया, अभी करता हूँ। वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। अच्छा, अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना। अच्छा, इसकी मतलब कि वो इतना तेज है कि जैसे ही वो देखते हैं वैसे उसकी आंखों में वो हो जाता है ना। अच्छा, आंखें चौंधा जाती है। अच्छा अच्छा, वो तो हंटिंग टॉर्च है। हाँ, जिसकी वजह से उसको देखते ही कुछ नहीं दिखता दो तीन में। तो आपका कहने का कुछ नहीं दिखता तो डर के। तो यू मीन टू से कि अगर आपको भगाना जानवर को तो आपको टॉर्च जरूर चाहिए, टॉर्च लाइट। दिखाओ नीचे, फोकस कराओ जरा। वो बहुत दूर तक खेती है आपकी तो यार, वो मिर्ची की खेती पता नहीं क्या करते, बहुत हरियाली हो रही है समय तो। ये दिखाना, फोकस दिखाना इसके टॉर्च का। अच्छा अच्छा, वो यार तो बहुत दूर तक। अच्छा अच्छा अच्छा, और बताओ और क्या आपके पास जानवरों को भगाने के लिए? अभी तो मैं इसको यहाँ ही रख देता हूँ देखने के लिए कि कहीं कुछ आना जाए। दूसरी ये सीटी है। अच्छा, डराने के लिए। अच्छा, थोड़ा बहुत इससे तो इतना नहीं डरेंगे पर। हाँ, कैसे? थोड़ा इतनी ज्यादा नहीं होगी इससे आवाज। इससे ज्यादा आवाज दूसरी चीज में होती है पर इससे। ओह, ये क्या सिग्नल देता है जानवरों को? ये तो मतलब कि थोड़ा डराने के लिए। अच्छा, वैसे तो पर अब इससे चाहो तो आप अपने लेकिन दो चीजें है ना, तो उनमें से दो चीजों में से आप ऐसा यूज कर सकते हो। इन दोनों में से एक चीज अगर आप हंटिंग के लिए जा रहे हो तो इसको बजा दो। अच्छा, तो उसके तुम्हारे दोस्तों को पता चल जाएगा कि तुम यहाँ हो। अच्छा, तो उसके लिए भी ये यूज हो सकता है। अच्छा, कीड़ा आ गया। अच्छा अच्छा, ऊपर गांव भी है। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा गांव है। अच्छा, इधर तो जानवर कहीं से भी आ सकते हैं, हम पे अटैक कर सकता है। जैसे जंगली सुअर हो गया और हिरन हो गया, सुना हमने यहाँ पे। और क्या है आपके पास? और तो ये सीटी हो गई, ये गुलेल है। अच्छा, तो गुलेल रात को क्या काम करेगा गुलेल? अरे रात को नहीं, मतलब कि कभी सुबह, मतलब जैसे कि समझ लीजिए तुम्हें छोटी टॉर्च देना। हाँ, छोटी वाली टॉर्च का। अच्छा अच्छा, जैसे कि वहाँ। अच्छा, तो वहाँ पे मारने के लिए आप ऐसे जाओगे तब तक वो आपको देखेगा। और अगर वो मतलब कि खतरनाक हुआ तब तक वो आपको मतलब कि ऐसा होगा कि मारने के लिए आ रहा होगा, मतलब कि इतना खतरनाक नहीं कि ऊपर चढ़ के जैसे बाघ वाघ नहीं, सुअर। अच्छा, तो सुअर वहाँ पे होगा। अच्छा, तो उसको कैसे मारोगे? अच्छा, मतलब कि आप उसके पास जाओगे तो मार सकता है इजीली आपको। अच्छा, तो उसके लिए तो हम ये गुलेल यूज करते हैं। तो एक पत्थर ये रहा, ये तो मैं इसको जेब में रखता हूँ। और यहाँ पे से ये इसकी मतलब अगर मैं दो तरह से चलाता हूँ, एक तरह से इतनी बहुत तेज चलती है पर दूसरी तरह से इतना नहीं चलते। अच्छा, आगे के लिए करे। अच्छा, अच्छा, अरे आगे के लिए आगे दिखाता हूँ। ओ माय गॉडनेस, ओ यार इससे तो बहुत चोट लगेगी किसी को भी है, मतलब इससे हर्ट हो सकता है थोड़ा सा पत्थर नुकीला। अच्छा, और क्या आपके पास जानवरों को भगाने के लिए यहाँ पे? क्योंकि रात का अंधेरा हो चुका है, इस समय रात के यहाँ 9 बजे हुए हैं और मुझे तो बहुत डर लग रहा है, यहाँ पे कहीं से भी जंगली जानवर हमको अटैक कर सकते हैं, जैसे बाघ हो गया और सुअर हो गया। यहाँ पे तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये यहाँ पे उधर देखिए, यहाँ पे देखिए अभी ऐसे बस्ती है, जबकि ऐसे गांव है, तो अभी तो नहीं होगा, मतलब कि आपको तो वहाँ आगे जाके वहाँ पे होगा। अच्छा, इसके आगे। अच्छा, इसके
चलो आगे चलते हैं, जरा आगे चलो, आगे चलो। आपका अपना एरिया दिखाओ जहाँ पर आप जानवरों की, जानवरों से अपने खेती की रक्षा करते हो। ये तो वो है जहाँ पे, मतलब ये तो यहाँ पे पहले हमारा खोद है ये। अच्छा, तो इसमें हम तिरू हो गया और बाकी की चीजें अच्छा पाते थे, पर अभी तो वहाँ पे वो बारिश का मौसम चल रहा है आजकल। अच्छा, तो इसके लिए भी वहाँ पे हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे अभी खेती है। हाँ यार, ये तो बहुत घास है इस समय, यार इस समय तो बहुत डर लगा मुझे तो, यहाँ तो नीचे आपके पाँव के सांप भी आ सकता है, फिर कैसे होगा। इसलिए तो मैं आगे चल रहा हूँ। अच्छा, आप ऊपर भी चलेगा, ऐसे चलेगा। अच्छा अच्छा, हम जिस एरिया में जा रहे हैं बहुत डेंजर एरिया है भैया। हाँ, इसके बाद तो पता नहीं कैमरे में आवाज आएगी नहीं आएगी। हाँ, पर दो मिनट आप ध्यान से सुनो। हाँ, नहीं इनकी नहीं। हाँ, इनके। हाँ, हाँ, ये कल कल की आवाज आ रही है। हाँ, ये नीचे सबसे नीचे। हाँ, वो है नदी, मतलब छोटा मैं। अच्छा, नदी क्या कहें उसको, नहीं इतनी भी ज्यादा नहीं है मतलब। अच्छा, पर उसकी वजह से अभी यहाँ नहीं है। अच्छा, तो उसके लिए तो आपको नीचे जाना पड़ रहा है। देखो ये टॉर्च के फोकस लगा रहा हूँ मैं, कहीं कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा है समय, क्योंकि अभी बहुत अभी 9 बजे हैं। ये रात पे वो देखिए ना, लाइट हो रखी है, वहाँ है। हाँ, वहाँ है तो अभी तो, और वहाँ पे भी ज्यादा लाइट है ना, तो अभी नहीं दिखेगा। अच्छा, पर जब जैसे ही 9-10 बजेंगे रात को बंद हो जाएगी। हाँ, तो रात को आएंगे तो ये जानवर क्या नुकसान करेंगे ना फसलों को, जैसे मंडुआ हो गया। ये आपको लग रहा होगा कि मतलब कि हमने किया, मतलब हमारे से हुआ है, ऐसा नहीं है। ये सारे जंगली सुअर ने दिया है, तो आप भी सोच सकते ऐसा कौन करेगा, इंसान कर ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा, आप क्या है आपके पास, और क्या है, और क्या, और क्या इक्विपमेंट आपके पास। और तो एक भोपू है। अच्छा, वो मैंने आपको ही दे रखा है। अच्छा, ये जरा। अच्छा, ये है भोपू। हाँ, ये क्या काम करता है। अरे इसका वो हाँ, वो तो वही रह गया। ये क्या काम करता है बताओ। ये तो मतलब जैसे पहले इसके बारे में बताओ। ये तीन उसके हैं इसमें, ताकि तीन ये है सबसे धीरे, उससे ऊपर फिर सबसे तेज। अच्छा, साउंड की रेंज। अच्छा, जैसे कि ये है। अच्छा, अब अगर मैं देखो ये तो इतनी हुई। हाँ, अब मैं इसको। अच्छा, ये और तेज बजा। अब उसके बाद अगर मैं इसको भी लगा दूंगा। अच्छा, तो इतना तेज बजेगा मतलब कि, और ये कहा मेरी। हाँ, ये मतलब कि सामने पहाड़ी होगी, पता नहीं आपको दिख रही नहीं होगी। हाँ, नहीं दिखा, सामने पहाड़ी तक आवाज जाएगी। अच्छा, क्योंकि पहाड़ का इलाका भी है और ऊपर से इसमें बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, वाओ, ओ इसे तो डेफिनेटली तीन बार गूंज रही आवाज। अच्छा, करो। ओ, तो इससे होगा क्या, जानवर डर जाएगा अब इतनी आवाज सुन के। अच्छा, आपके सामने अचानक से, जैसे कि अच्छा, आप यहाँ पे खाना खा रहे हो और अचानक से कोई इतनी तेज आवाज कर दे कि आपको डर लग जाए, तो आप भागोगे। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें जरा इसका आवाज निकाल के दिखाई, जोर से कितने निकाल सकते आप। अच्छा अच्छा, ओ माय गॉडनेस, अच्छा है तो यार। अच्छा, आगे चलो चलो, इधर तो थोड़ा डरना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, इसको जेब में रख लीजिए। हाँ, क्यों, ये आप बजाएंगे। नहीं नहीं, आप बजाओ ना, तो आप सीटी बजाइए। हाँ, अच्छा अच्छा, मैं सीटी बजाऊंगा। हाँ, अच्छा, टॉर्च को नीचे रखना। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। अच्छा अच्छा, हो गया हो गया, ऊपर आ जाओ। अच्छा, यहीं तो जाना। अच्छा, अच्छा देखो, कोई जानवर दिखाई दे रहा है कोई। ये क्या है, ये तो कोई कपड़ा लगता है, इधर कुछ सिर्फ है इधर। नहीं अभी तो नहीं होगा ना। हाँ, अभी तो कम ही होंगे। अच्छा अच्छा, अब वहाँ पे ऊपर की साइड पता नहीं। अच्छा चलो, आओ आगे चलते हैं। कहाँ चले, इधर ऊपर चलते हैं। नहीं मतलब अच्छा ऊपर। हाँ तो ठीक है, चलो ऊपर चलो। अच्छा अच्छा, चलो रोजाना ऐसा आते हो वहाँ पे। हाँ, आना पड़ता है। हाँ, अभी तो मैं हूँ, मैं तो अभी आ रखा हूँ, बट जब मेरे दादा दादी मैं नहीं होता हूँ, मैं दिल्ली में जाता हूँ अपने पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, तो जब मैं नहीं होता हूँ तब दादी दादा को कभी आता है दादी, कभी कभी मतलब इतने ज्यादा तो नहीं होता, पर अभी कभी कभी जैसे हफ्ते में 2-3 बार। अच्छा, भोंप बजाइए, भोंप बजाइए, क्या कोई जानवर भागेगा। अच्छा,
आपने हमें बहुत अच्छी डिटेल दी। उत्तराखंड में गांव में अगर आपने सर्वाइव करना है तो ये चीज जरूरी है, क्योंकि यहाँ जानवरों का आतंक इतना है कि कोई फसल बच नहीं पाती है। तो हिमांशु रावत ने बहुत अच्छी जानकारी दिया कि अगर यहाँ पे आपको रहना है तो भाई ये आपको रोजाना रात को 10-11 बजे आपको डेली करना पड़ेगा ताकि आपकी फसल बचे। और कुछ बोलना आपने? आप चाहे तो खेत भी देख सकते हैं, मतलब कि ज्यादा देखता है।